देश भर में छठ महापर्व को लेकर लोगों में अपार उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 4 दिवसीय छठ पूजा को लेकर राजधानी लखनऊ में भी छठ पूजा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग भी त्यौहार मनाने अपने अपने घर आए हैं। लोक आस्था के महापर्व को लेकर लखनऊ में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। छठ पर सभी महिलाओं सूर्य भगवान के रूप की पूजा, सूर्य को अग्र दिया। किस तरह से मनाती हैं? हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बलिया के हैं, ठीक है ना। 3 दिन, 1 हफ्ता पहले से तैयारी होने लगता है छठ पूजा के, ठीक है। फिर नहाए खाए करते हैं, खरना करते हैं, रात में रोटी बनता है, खीर बनता है, फिर छठ माता की पूजा होता है। ध्यान देते हैं कि किसी को परेशानी ना हो, यहाँ तक कि इस साल हम लोग कोशिश किए कि बेदी जो है, जो पहले जैसे रसीद कराया हम लोग पहले अलॉट कर दें, ताकि होता क्या था कि जैसे 1 साथ लोग आते थे बेदी के लिए, पहले भगदड़ होती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसे व्यवस्थित कर रहे हैं कि आगे परेशानी ना हो। और ख़ास तौर से महिलाएं जैसे व्रत करती हैं, तो सुबह हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको यहाँ समिति तरफ से चाय उपलब्ध कराया जाए, चाय पिलाया जाए, क्योंकि खाली पेट रहती हैं। यहीं से स्टार्ट पारण जो है, हम लोग जो व्यवस्था करते हैं यहाँ पर, यहाँ पब्लिक जो है, माताएँ बहनें जो आई हैं, सबका योगदान मिलता है, सब लोग सहयोग करते हैं। लेकिन विशेष रूप से इस मंदिर की, इस सूरज कुंड की सफाई व्यवस्था हमारे 5-7 लोग हैं। राजेश सिंह जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, तर्केश्वर हैं, अरविंद ठाकुर हैं, तो इन लोगों का विशेष योगदान रहता है।